नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र और चिरायु योजना को सरकार की बड़ी सफलता बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर कहते हैं पीपीपी एक बेहतरीन पारदर्शी व्यवस्था है। उनके इस बयान की अक्सर मीडिया में हेडलाइन भी बनती है, लेकिन कोई भी नीति अगर समझनी हो तो हेडलाइन छोड़कर उसका विवरण पढ़ना चाहिए, यानी उस योजना का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ही एक अध्ययन गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने मनोहर सरकार की परिवार पहचान पत्र और चिरायु योजना समेत 1,80,000 सालाना आय वाली कई योजनाओं का किया। अध्ययन में सामने आया कि पिछले एक साल में खट्टर सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों का परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड बनवाकर उनकी सालाना आय पूछी। ये सभी जानकारियां लेने के बाद हरियाणा सरकार ने सबसे पहले धारा 134 यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम को खत्म कर दिया और इसकी जगह खट्टर सरकार चिराग योजना लेकर आई। योजना के अंतर्गत कक्षा 2 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला तभी दिया जाएगा अगर उनके माता पिता की सालाना आय 1,80,000 से कम है। यानी गरीब बच्चों को जो पहले 10% सीट प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी वो सरकार ने खत्म कर दी नई योजना लेकर आकर। खट्टर सरकार यही नहीं रुकी, इसके बाद सरकार ने चिरायु योजना की घोषणा की जिसमें कहा गया कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है उन्हीं परिवारों को बीमा कार्ड दिया जाएगा या उनका बनाया जाएगा, जिसके बाद ही आप प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवा पाओगे। यानी आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा है तो आप एक अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज भी नहीं करवा सकते। जरा सोचिए आज के जमाने में सालाना आय 1,80,000 क्या होती है। 1,80,000 यानी महीने में 10 या 15 हजार रुपए। इतनी महंगाई में अगर कोई व्यक्ति 10 या 15 हजार कमाता है तो सरकार उसे गरीब ही नहीं मानती, ना ही उसे कोई योजना का लाभ मिलेगा सरकार की। कुल मिलाकर सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसका फायदा बेमुश्किल कुछ ही गरीब लोग उठा पाते होंगे। यही नहीं, अब खट्टर सरकार ने लोगों के नाम राशन कार्ड सूची और बुढ़ापा पेंशन से हटाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। जिन परिवार की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा है, यानी साफ है कि सरकार गरीबों को सुविधाएं और ज्यादा देने की बजाय खत्म करने में लगी है, जिसे लेकर गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा ने भी सरकार को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या पूछा। परिवार पहचान पत्र बनवाना शुरू किया उन्होंने, आपके परिवार वालों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सब चीज लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 134 हटाया जिससे आपके आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 10% सीट मिलती थी, ये इन्होंने खत्म कर दिया। और अब उन्होंने एक चिराग योजना निकाली जिसके तहत सेकेंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में जो गरीब बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसका एक कैच है, कैच ये है कि आपके परिवार की आय 1,80,000 सालाना से कम होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने चिरायु स्कीम निकाली। चिरायु एक हेल्थ योजना है जिसका कार्ड बनता है, इसका भी एक कैच है। कैच यही है कि आपकी अगर परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है तो सरकार आपका ये कार्ड बनाएगी जिससे आप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा सकते हो। तीसरा उन्होंने अब राशन कार्ड और बुढ़ापा पेंशन से आपके नाम काटने शुरू कर दिए हैं। अगर आपके परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 से ज्यादा है, आपको पता है 1,80,000 कितना होता है, मतलब 15,000 रुपए महीना। सर हरियाणा सरकार की न्यूनतम वेज 10,000 रुपए है, मतलब अगर कोई भी इंसान काम करेगा 10,000 रुपए से कम उसको महीने में सैलरी नहीं मिल सकती। 10,000 रुपए में आपका घर तो चलने नहीं वाला, 1,100 रुपए के तो एलपीजी सिलेंडर है, दूध, आटा, चावल, दाल, हर चीज पे जीएसटी लग गया जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई है। सब्जी फल खरीदते खरीदते आदमी की नाक हो जाती है, तो एक सैलरी पे आप अपना घर चला नहीं सकते। दो जने तीन जने मिलकर जो भी तरह आप कमाते हैं तो आपकी मासिक इनकम 15,000 से ज्यादा हो जाती है और आपके परिवार की इनकम 1,80,000 से ज्यादा हो जाती है, जिस पर हरियाणा सरकार आपका राशन कार्ड बंद कर रही है, आपकी बुढ़ापा पेंशन बंद कर रही है, आपकी विधवा पेंशन बंद कर रही है, आपके ईडब्ल्यूएस स्कीम जिससे आपके बच्चे स्कूल जाते थे वो बंद कर रही है, आपकी हेल्थ योजना भी बंद कर रही है।
तो एक तरफ से देखा जाए तो ये परिवार पहचान पत्र आपके सारा डेटा इकट्ठा करके उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि आपको हम कुछ भी नहीं देंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 20,000 यूनिट पानी फ्री दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक में 400 से अधिक टेस्ट फ्री दे रही है, जिसको भी MRI CT चाहिए उसको फ्री दे रही है, जिसको ऑपरेशन की जरूरत है उसको सब इलाज फ्री करने के बाद, महिलाओं को बस सेवा फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। यह आपने गुरुग्राम से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा को सुना, जिन्होंने सरकार से सीधे सीधे कुछ सवाल पूछे जो कि वाजिब भी थे। वही गुरुग्राम से जिला अध्यक्ष मुकेश जागर ने भी खट्टर सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की न्यूनतम आय 10,000 है और इस राशि में किसी का घर भी नहीं चल सकता। परिवार के 2 या 3 सदस्य काम करें तो भी सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा पहुंच जाती है। फिलहाल सरकार को अगर सच में योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना है तो ये 1,80,000 वाली शर्त को बढ़ाना होगा, नहीं तो ये स्कीम सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।